नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माय विगेस्ट क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, तो वाक्य भेद चल रहा है जिसके दो वीडियो कवर हो गए हैं, जिसमें हमने दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली हैं। नंबर एक, हमने सर पदबंध को समझ लिया है कि पदबंध क्या होता है, और उसके अलावा हमने उपवाक्य को भी देख लिया है ना, कि उपवाक्य सर क्या होते हैं। तीन तरीके से हमने इसको पढ़ लिया था, संज्ञा विशेषण क्रिया टाइप के सर उपवाक्य होते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हम आज पढ़ेंगे वाक्यों के भेद। देखिए, अभी तक हम वाक्य के भेद तो पढ़ रहे थे, लेकिन वाक्य पे प्रॉपर नहीं आए थे। पदबंध एक छोटी इकाई, उपवाक्य वाक्य से छोटी इकाई। अब हम आ जाते हैं वाक्य के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर वाक्य भेद, है ना। वाक्य को हम कितनी तरीके से विभेद कर सकते हैं, कितनी तरीके से बांट सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और समय अगर बचा थोड़ा सा, है ना, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो इसी में हम वाच्य को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत छोटा सा पॉइंट है। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिन दोस्तों ने अभी ये वीडियो नहीं देखा उपवाक्य पदबंध वाला, वो देख लें, ठीक है ना। चलो भाई, तो सर वाक्य कैसे कहते हैं, ये वाली बात भी आपको पता है कि सर जिसका कोई सार्थक मतलब निकलता हो वही वाक्य कहलाता है। जैसे एक हमारे पास शब्द है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। हम कह सकते हैं कि सर ये एकदम पूरक वाक्य है, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट वाक्य है ये, ठीक है। अब इसमें कई तरह की चीज़ें पूछ लेता है। रचना के आधार पर बताइए कौन सा वाक्य, अर्थ के आधार पर बताइए कौन सा वाक्य है, ठीक है। चलो, ये तो हम समझेंगे कि रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों का किस तरीके से हम बांटेंगे इनको। इसको समझने से पहले दोस्तों एक बहुत छोटी चीज़ समझिए आप, जिसे आप कहते हैं कि सर वाक्य के, किसी भी वाक्य के दो पार्ट होते हैं। एक को तो हम कहते हैं सर उद्देश्य, एक को कहते हैं उद्देश्य, और दूसरे को हम कहते हैं विधेय। दूसरे को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। ये दोनों के दोनों शब्द आपने सुने होंगे सर, हाँ, उद्देश्य होता है और विधेय होता है, है ना। उद्देश्य क्या होता है, तो सर कर्ता वाला जो पार्ट होता है वो उद्देश्य होता है। विधेय क्या होता है, तो बाकी जो सब बच गया कर्ता को हटा करके वो क्या है, विधेय है, ठीक है। अच्छा, इतनी सी बात आपको पता है। अब कोई जटिल प्रश्न आ जाए आपके सामने, तब आपको उद्देश्य और विधेय छांटने में वहां पर दिक्कत हो जाती है। तो पहले उद्देश्य और विधेय को ही क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जिससे कि चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। चलो भाई, पहले उद्देश्य और विधेय को समझ लीजिए कि उद्देश्य के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और विधेय के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं वाक्य के अंदर, ठीक है। चलो, उद्देश्य में सबसे पहले आता है सर कर्ता, वाक्य का कर्ता आएगा इसके अंदर, और दूसरा आता है कर्ता का विस्तार। कर्ता का विस्तार, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। कर्ता और कर्ता का विस्तार किसमें आते हैं सर, उद्देश्य वाले भाग में ये रहते हैं। अच्छा, विधेय में क्या क्या आता है, विधेय में आती है क्रिया, क्या आती है, क्रिया, क्रिया का विस्तार, क्रिया का विस्तार। एग्जाम्पल से समझाएंगे, अभी समझ लो कि क्या क्या आता है इस पार्ट के अंदर, ठीक है। कर्म, कर्म आता है, कर्म का विस्तार, कर्म का विस्तार भी आता है इसमें। अच्छा, क्रिया विशेषण आता है सर इसके अंदर, क्रिया विशेषण भी विधेय का ही पार्ट होता है, क्रिया विशेषण। अच्छा, और आता है सर इसमें पूरक, क्या आता है, पूरक, ठीक है। इतने पार्ट होते हैं विधेय के, क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया विशेषण और पूरक। कर्ता में जो उद्देश्य वाला पार्ट है हमारा, उसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार, बस यही दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, तब हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहां तो सीधा सीधा पता चला सर, ये वाला पार्ट उद्देश्य है, ये वाला पार्ट उद्देश्य है, और ये वाला पार्ट विधेय। ये छोटा वाक्य था, इसमें पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब जटिल प्रश्न जब आएगा, तो हमें उद्देश्य और विधेय जब छांटने पड़ेंगे, उसको समझिए कि किस तरीके से उसके उद्देश्य और विधेय को हम निकालेंगे। इसको हटा देते हैं और एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो, एग्जाम्पल हमारे सामने इस तरह का है, दशरथ के पुत्र, दशरथ के पुत्र राम ने, राम ने लंका के राजा रावण को, रावण को तीर से मारा, तीर से मारा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सर कि इसमें उद्देश्य पार्ट कौन सा है और विधेय क्या है, है ना, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, समझ ले। अब इसको अच्छे से समझो दोस्तों, हमारे पास ये एग्जाम्पल है, दशरथ के पुत्र राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब ये हमसे ये कह रहा है कि इसमें उद्देश्य और विधेय छांट के बताइए कि उद्देश्य और विधेय, कितने उद्देश्य हैं, कितने विधेय हैं। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, बस उनके विस्तार को समझना है, ठीक है। दशरथ के पुत्र, ठीक है, राम ने,
ठीक है। तो राम ने जो हो जाएगा दोस्तों वो करता है, यहां पर क्या है, राम ने ये पूरा करता है। दशरथ के पुत्र, ये कर्ता का विस्तार है, दशरथ के पुत्र। क्लियर हो गई यहां तक बात? चलो यहां तक सर बात खत्म हो गई। ये पूरा जो पार्ट है ये उद्देश्य है, ये क्या है, उद्देश्य है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आराम से समझ में आ रही है बात कि सर दशरथ के पुत्र राम ने, ये पूरा उद्देश्य हो जाएगा। यहां पे राम ने तो करता है सर, और दशरथ के पुत्र ही कर्ता का विस्तार है। इतनी बात क्लियर? अच्छा अब आ जाते हैं विधेय वाले पार्ट पे। अब देखिए यहां पे जो मारा शब्द है, मारा ये तो है सर क्रिया, ये क्या है, क्रिया है सर मारा। अच्छा क्रिया का विस्तार, क्रिया का विस्तार है तीर से, क्या है, तीर से, ये क्रिया का विस्तार है यहां पर, ठीक है। यहां पे कर्म हो जाएगा दोस्तों रावण को, किसको मारा था, रावण को, रावण ही तो कर्म है यहां पर, रावण को, ठीक है। कर्म का विस्तार, कर्म का विस्तार जो हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा लंका के राजा, लंका के राजा, है ना, ये कर्म का विस्तार ही तो है। रावण क्या है, कर्म है, क्रिया विस्तार क्या है, तीर से, क्रिया क्या है, मारा। इसमें विशेष क्रिया विशेषण और पूरक हमारे पास था नहीं इस पूरे वाक्य में, तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि सर उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। अब आप इस वाक्य को दो पार्टों में बांटने का प्रयास करो कि सर ये वाला जो पार्ट है वो उद्देश्य हो गया और ये वाला जो पार्ट है वो विधेय हो गया, है ना। अब उद्देश्य और विधेय में आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ये चीजें नोट डाउन करो बिल्कुल। उद्देश्य में कर्ता आता है सर, कर्ता का विस्तार आता है, विधेय में क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार, क्रिया विशेषण और पूरक चिन्ह आते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो भाई अच्छे समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम वाक्य के भेद के ऊपर, ये चीज हमारी क्लियर होगी कि सर इसे कैसे अलग अलग देखते हैं हम। अब हम वाक्यों का विभेद करेंगे दोस्तों दो तरीके से, वाक्यों को हम मुख्यतः दो तरीके से बांटेंगे यहां पर, ठीक है। नंबर एक रचना के आधार पे, नंबर एक रचना के आधार पे, और नंबर दो अर्थ के आधार पे। तो नंबर एक हम बांटेंगे रचना के आधार पर, है ना, और दूसरे नंबर पे हम बांटेंगे अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इनकी रचना किस तरीके से होती है, फिर देख लेंगे इनका अर्थ किस तरीके से निकलता है, ठीक है। रचना के आधार पे वाक्यों को दोस्तों हम तीन तरीके से बांटेंगे, कितनी तरीके से बांटेंगे सर, तीन तरीके से। तो हम पहला पॉइंट उठा लेते हैं यहां से, रचना के आधार पर, ठीक है ना, रचना के आधार पर, ठीक है। नंबर एक सरल वाक्य, नंबर एक सरल वाक्य में बांटेंगे इसको, ठीक है ना। नंबर दो संयुक्त वाक्य होता है, है ना, संयुक्त वाक्य। और नंबर तीन हम देखेंगे मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य, है ना, मिश्रित वाक्य। तीन तरीके से बांटेंगे, अच्छे से सुना होगा आपने कि सर रचना के आधार पे वाक्यों को तीन तरीके से बांटा जाता है, साधारण वाक्य, इसको सरल वाक्य भी कहा जाता है, या साधारण वाक्य कह दो इसको, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सर सरल वाक्य क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्य क्या होता है। तो पढ़ने से ही पता चल रहा कि सर जो बिल्कुल सरल होगा, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वह वाक्य क्या कहलाता है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहलाता है, ठीक है। परिभाषा इसकी लिखो या मत लिखो आप, ठीक है, इसके जो हैंड राइटिंग नोट्स है मेरे वाक्य के पूरे, उसको मैं इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा, हैंड राइटिंग नोट्स और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो परिभाषा की इतनी चिंता मत करो, आप मूल चीज को समझो कि सर बात मूल है क्या इसकी, ठीक है ना। तो सरल वाक्य सर इसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, ठीक है। ऐसे वाक्यों को सर हम सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। इसके हैंडराइटिंग नोट डाल दूंगा मैं, आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से विस्तार में लिखे हुए हैं। अच्छा सर ऐसा कौन सा वाक्य होता है, वह घर जाता है, है ना, ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, एक ही उद्देश्य है सर, एक ही विधेय है। अच्छा वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है, ठीक है। नंबर तीन तुम खाना खाते हो, ठीक है। ये सारे वाक्य जो होंगे वो सरल वाक्य होंगे, कैसे वाक्य होंगे, सरल वाक्य, पढ़ने से ही पता चल जाएगा सर। इसमें ना तो कोई संयोजक चिन्ह आ रहा है, ना कोई ऐसा चिन्ह आ रहा है कि एक आश्रित वाक्य और एक प्रधान वाक्य, सीधा सीधा वाक्य है, सीधा सीधा वाक्य जब आ जाएगा, एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक है। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख लें, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक उद्देश्य एक विधेय वाले जो वाक्य होते हैं सर, सरल वाक्य साधारण वाक्य कहे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम संयुक्त वाक्य पे, ये समझने जैसा है, इसको समझ लीजिए, ठीक है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। तो ये आपने क्लियर हो गया। चलो सर साधारण वाक्य क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय वाला होता है, बहुत सिंपल वाक्य होते हैं सर, है ना, बात को पढ़ने से ही समझ में आ जाती है कि इसमें क्या बात चल रही है। चलो हमारा दूसरे नंबर का है दोस्तों संयुक्त वाक्य,
संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको समझिए। यहाँ से कई इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो अगला समझते हैं सर, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो दो सरल वाक्यों को जब संयोजक चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है और उनसे एक जो नया वाक्य बनता है वही क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। दो सरल वाक्यों को एक संयोजक चिन्ह के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो वैसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, यहां एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह घर गया और पढ़ने बैठ गया। अब थोड़ा सा उपवाक्य को ध्यान करो सर, उपवाक्य की परिभाषा आपने क्या लिखवाई थी और उपवाक्य क्या था। यहां यह कहा जा रहा है दो सरल वाक्यों को किसी संयोजक चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है तो वैसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। सिर्फ सरल वाक्य के लिए नहीं कह रहा ये, यहां मिश्र वाक्य को भी सरल वाक्य बना करके अगर जोड़ दिया जाए तब भी वो संयुक्त वाक्य ही हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा ना समझ लेना कि सर दोनों ही सरल वाक्य होंगे तभी संयुक्त वाक्य बनेगा। हो सकता है एक सरल वाक्य हो और दूसरा वाला मिश्र वाक्य हो, तब भी वो संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त का मतलब कुछ जोड़ के उसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, वह घर गया और पढ़ने बैठ गया। यहां आश्रित वाक्य कोई नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि ये इस पे डिपेंड और ये इस पे डिपेंड होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जैसा कि उपवाक्य में हो रहा था। ठीक है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित था, ऐसा यहां नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों वाक्य अपने अपने आप में पूर्ण होते हैं, अर्थात ये उपवाक्य हैं। ठीक है, दो उपवाक्य को जोड़ने से संयोजक चिन्ह के साथ जो वाक्य बनता है वही संयुक्त वाक्य आता है। ठीक है ना, अच्छा सर ये संयोजक चिन्ह बताया सर आपने, कौन सा चिन्ह बताया, संयोजक चिन्ह। क्या सिर्फ सर संयोजक चिन्ह ही होता है, इसके अलावा और कोई चिन्ह नहीं होते? हाँ, ये बहुत काम की बात है। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिए। अब ये संयोजक चिन्ह जो होते हैं कई तरीके से देखे जाते हैं। नंबर एक, यहां से पहले तो संयोजक चिन्ह को ही समझो क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह कौन कौन से हैं हमारे पास, और एवं तथा। ये जो तीनों चिन्ह होते हैं दोस्तों ये संयोजक चिन्ह होते हैं। ठीक है, इनसे ये वाक्य जोड़ा होगा। दूसरे नंबर पे हमारा होता है विरुद्धतावाचक। ठीक है, चिन्ह, ठीक है ना, चिन्ह यहां पे कह देना। इसमें आता है परंतु लेकिन, और एक और आ जाता है इसमें किंतु, और एक आ जाता है किंतु। ठीक है, अच्छा तीसरे नंबर पे होता है हमारा विकल्प सूचक। क्या होता है, विकल्प सूचक चिन्ह भी होता है। ठीक है ना, जैसे विकल्प सूचक में हम दो को लेते हैं, या अथवा। ठीक है ना, दो आते हैं हमारे विकल्प सूचक, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, विकल्प हो गया ना। अच्छा एक और होता है हमारे पास परिमाण सूचक संयोजक चिन्ह। ठीक है ना, अतः इसलिए। ठीक है ना, तो इस तरह के संयोजक चिन्हों के साथ संयुक्त वाक्य तैयार किया जाता है। नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं जो नोट्स दूंगा उसमें भी ये सारी चीजें लिखी मिलेंगी, आपको टेंशन मत लेना। तो इन संयोजक चिन्हों के साथ संयुक्त वाक्य को तैयार किया जाता है। एक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य हो सकता है, या दोनों सरल वाक्य हो सकते हैं, दोनों ही मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं। दोनों ही फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं होता है, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य दोस्तों कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, इन सब चिन्हों के साथ ये बीच में जुड़ा होता है। ठीक है ना, इसके दोनों उपवाक्यों के बीच में एक संयोजक चिन्ह जरूर मिलेगा आपको, इनमें से कोई भी एक मिल जाए। क्लियर हो गई बात, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अच्छा अब हमारा जो अंत में बचता है वो बचता है दोस्तों मिश्रित वाक्य। ये थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से समझेंगे, पहले इसको हटाते हैं। अगला हम समझते हैं दोस्तों मिश्र वाक्य के लिए, है ना। दोनों वाक्य हमारे अच्छे से क्लियर हो गए, मिश्र वाक्य को समझते हैं। तो मिश्र वाक्य क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है इसमें प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना, उपवाक्य, और दूसरा होता है इसमें आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य। ठीक है, दो का मेल होता है, बीच में कोई संयोजक चिन्ह होता है, बीच में कोई भी संयोजक चिन्ह होगा। ठीक है, चलो इन दोनों को मिला के जो वाक्य बनता है वो मिश्रित वाक्य बनता है। कौन सा वाक्य बनता है, मिश्रित वाक्य बनता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होता है सर, एक तो प्रधान वाक्य होता है ना उपवाक्य, और एक होता है आश्रित उपवाक्य। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड, एक अर्थात कहने का मतलब यह है प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्य डिपेंड होता है, और साथ ही साथ ये संयोजक चिन्ह के साथ जुड़ा होता है। मिश्र वाक्य को तीन तरीके से पढ़ा जाता है। नंबर एक पढ़ा जाता है इसको संज्ञा उपवाक्य के तौर पर, संज्ञा
उपवाक्य में, नंबर दो पढ़ा जाता है विशेषण उपवाक्य में, विशेषण उपवाक्य में। नंबर तीन हम पढ़ते हैं इसको क्रिया विशेषण उपवाक्य में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान करो, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये तो हम आपको उपवाक्य वाले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। बात समझ में आई नहीं आई? हम आपको बता रहे थे कि की संयोजक से जब कोई जुड़ जाएगा तो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, जो जैसा जबकि जिसने से जुड़ेगा तब सर वो विशेषण उपवाक्य होगा, क्योंकि अथवा तथा से जब जुड़ेगा तो सर ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ये हमने आपको समझाया या नहीं समझाया उपवाक्य में? तो सर उपवाक्य में जो हम पढ़ रहे थे वो मूलतः मिश्र वाक्य को ही पढ़ रहे थे। इतनी बात समझ में आ गई? जब हम आपको संज्ञा उपवाक्य पढ़ा रहे थे तब हम आपको एक चीज ये समझा रहे थे, है ना, क्या समझा रहे थे? उसने कहा, उसने कहा, बहुत ध्यान से समझ लो, उसने कहा कि वह दयालु, दयालु व्यक्ति है। ये एक तरह का वाक्य आ गया आपके सामने, पहचान पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर बताइए संयुक्त वाक्य है। तो अब आपने पढ़ा था कि सर जहां पे की आ जाता है की, ठीक है, तो वो तो सर संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। वो क्या हो जाता है? संज्ञा उपवाक्य हो जाता है, ठीक है। इतना जो वाक्य है वो संज्ञा उपवाक्य आ जाएगा, वह दयालु व्यक्ति है, ये एक आश्रित वाक्य आ जाएगा, और इन दोनों को मिलाकर के जो वाक्य बन रहा है वो मिश्रित वाक्य बन रहा है। क्या बन रहा है? मिश्रित वाक्य बन रहा है, ठीक है। तो जब उपवाक्य में हम पढ़ रहे थे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और बीच में संयोजक चिन्ह के साथ आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य को जोड़ रहे थे, उनसे मिलकर के जो नया वाक्य बन रहा था वो ही तो मिश्रित वाक्य था। तो वो तो हम सर पढ़ चुके हैं दो दिन पहले ही, ठीक है। तो आसानी से सर ये क्लियर हो गया। अब एक बार थोड़ी सी नजर उपवाक्य पे डाल लेना, और उपवाक्य के बाद जो कंप्लीट वाक्य निकल के आएगा सर वही मिश्र वाक्य होगा। उसकी सारी पहचान वगैरह हम लिखवा चुके हैं उपवाक्य में, कैसे इन वाक्यों को पहचाना जाता है। तो हमारे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, यानी कि रचना के आधार पर हमने वाक्यों का विभाजन बहुत अच्छे से कर लिया है। आ जाते हैं अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर बहुत आसान है, इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा जितना कि रचना के आधार पे हमको लगाना पड़ा था। चलो सर देखते हैं अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होंगे। अर्थ के आधार पर, ठीक है, पूरे नोट्स दे देंगे हम आपको, जो वाक्य भेद के नोट्स हैं वो हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, आप उससे लगा लेना अच्छे से, ठीक है, उसकी परिभाषा वगैरह लिख लेना। अर्थ के आधार पे हम इन्हें सर आठ प्रकार से बांटेंगे। कितने प्रकार से बांटेंगे? टोटल आठ प्रकार से। नंबर एक, यहां से लिख लें, थोड़ा एग्जांपल लिखने में आगे आसानी होगी, थोड़ा सा पीछे से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। नंबर एक विधानवाचक, नंबर एक विधान बोधक कह दो, वाचक कह दो, जैसे आपको समझ में आए। विधान बोधक, निषेध बोधक, निषेध जहां मना किया जाए, है ना, निषेध बोधक। नंबर तीन प्रश्नवाचक, तीनों पढ़े हैं आपने इंग्लिश में, है ना, प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक, ठीक है, वाक्य कह दो इसके आगे, ठीक है, सबके नहीं आगे वाक्य लगा लेना। नंबर चार कह दो सर आज्ञावाचक या आज्ञाबोधक, ठीक है ना, आज्ञाबोधक वाक्य, ठीक है, आज्ञाबोधक ही लिख दो इसको, आज्ञाबोधक, ठीक है। नंबर पाँच हमारा होता है सर संकेत बोधक, संकेत बोधक, ठीक है। अच्छा, छठा हमारा होता है सर विस्मया आदि बोधक, ठीक है। अगला हमारा होता है सर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेत बोधक, विस्मय आदि बोधक, और आज्ञा हमारा इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक वाक्य, ठीक है। आठवां हमारा है संदेह बोधक, संदेह बोधक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये टाइप समझ में आ गए कि टोटल आठ प्रकार का होता है। ये टोटल कितने प्रकार का होता है? अर्थ के आधार पे आठ प्रकार का होता है। परिभाषा वगैरह लिखने की अभी जरूरत नहीं है आपको, पहले समझ लो, वाक्य को पढ़ के ही समझ में आ जाएगा सर ये वाक्य कहाँ से उठाया गया होगा। सीधा सीधा एक वाक्य दे देगा, वह घर जाता है, वह घर जाता है। अब देख के बताइए, वह घर जाता है, पूछ लेगा बताइए ये वाक्य अर्थ के आधार पे किस टाइप का है,
आपको पढ़ने से लग रहा है सर निषेध नहीं नहीं आया है, प्रश्न बोधक मतलब क्या कब क्यों नहीं आया है, आज्ञा सर आज्ञा भी कोई नहीं है, संकेत भी सर कोई नहीं है, विस्मय आदि जैसी तो चीज है ही नहीं, इच्छा भी नहीं की जा रही है, संदेह भी नहीं किया जा रहा है। तो ये वाला जो होता है ना विधान वाचक, ये वाला सीधा सीधा अर्थ देता है अपना, ना तो इसमें निगेटिव भाव है, ना प्रश्नवाचक भाव है, ना आज्ञा का भाव है, ना संकेत का भाव है, ना इच्छा का भाव, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है सर ये विधान, जो कार्यकर्ता कर रहा होता है सीधा सीधा उसके बारे में बता दिया जाता है सर, वो वाक्य विधान बोधक होता है, बहुत आसान है। निषेध बोधक सर जहां पर नकारात्मक भाव निकलता है, मोहन स्कूल नहीं जाता, मोहन स्कूल नहीं जाता, देखो नहीं आ गया ना, नहीं जाता निषेध बोधक है सर ये, है ना। चलो यहां पोस्टर चिपकाना मना है, यहां पोस्टर चिपकाना मना है, मना का मतलब वहां भी निगेटिव भाव आ रहा है, यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जो रहेंगे सर वो निषेध बोधक, भले ही नहीं चिन्ह ना हो मना है तब भी मतलब सर वहां निगेटिव भाव आ रहा है, ठीक है। यहां धूम्रपान करना निषेध है अर्थात मना है, आप नहीं कर सकते यहां पर, तो ये वाक्य भी निषेधवाचक वाक्य ही होते हैं सर। प्रश्न बोधक जहां कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो सवाल को पढ़ के, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, ठीक है, ऐसे आ जाए, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये चिन्ह जरूर लगा देना लास्ट में, ये वाला, ठीक है। लगाने का मतलब ये तो लगा हुआ आएगा ही, ठीक है, पहचान लोगे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना, क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, ये सारे शब्द जो होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं, बड़ी छोटी बात है, कक्षा 8 में ही समझा दी जाती है हमें। आज्ञा बोधक जहाँ आज्ञा दी जा रही हो, जहाँ अपनी तरफ से आज्ञा का अभाव दिखाई दे रहा हो आपको वाक्य में, तुम घर जाओ, है ना, ऑर्डर है एक तरह का, तुम बैठ कर पढ़ो, ठीक है, ये भी एक तरह की सर आज्ञा ही दी जा रही है यहाँ पर। अच्छा, तो जहाँ पे आज्ञा का भाव, वाक्य को पढ़ते ही पता चल जाएगा आज्ञा दी जा रही है नहीं दी जा रही है, ठीक है, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, क्या किया जा रहा है। संकेत बोधक, तो संकेत बोधक को दोस्तों बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड होता है, जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, अगर तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, मतलब एक काम दूसरे काम पर डिपेंड है। अगर बारिश हुई तो फसल भी अच्छी होगी। अब देखो वाक्य को पढ़ने से क्या पता चल रहा है, अगर सर बारिश हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यानी बारिश पे डिपेंड है फसल का अच्छा होना, ठीक है, यानी फसल जब भी अच्छी हो पाएगी सर, जब बारिश होगी, तो एक काम दूसरे काम पे डिपेंड हो गया। अच्छा, विस्मय आदि बोधक, तो विस्मय आदि बोधक तो सर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे, अरे ओह छी, इस तरह के भाव निकले, छी छी ऐसे कहते हैं ना कई बार हम, छी छी कितनी बदबू आ रही है, यहाँ पे ये चिन्ह जरूर लगा देना, कितनी बदबू आ रही है। एक और आ जाता है जैसे, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, अरे इस तरह का चिन्ह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो ऐसे जो प्रश्न विस्मय आदि बोधक जहाँ शब्द आते हैं, जहाँ आप आश्चर्य की स्थिति में विस्मय की स्थिति में पड़ जाते हो, तो वो सारे शब्द होते हैं सर विस्मय आदि बोधक शब्द। इच्छा बोधक में अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी जा रही हो, अपनी तरफ से प्रार्थना की जा रही हो, आपके लिए गुड विश की जा रही हो कोई, तो उसे कहते हैं सर इच्छा बोधक। भगवान करे तुम पास हो जाओ, भगवान करे तुम्हारी जॉब इसी साल लग जाए, तो ये क्या की जा रही है, एक इच्छा की जा रही है, एक विश की जा रही है, अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी जा रही हैं, वो वाक्य होते हैं सर इच्छा बोधक वाक्य, ठीक है। संदेह बोधक, संदेह की स्थिति जहाँ होती है, संदेह की स्थिति, शायद वह आएगा या नहीं, है ना, शायद आज वह शाम तक आ जाए, ठीक है ना, आज वह शाम तक आ जाए, मतलब कहने का ये कि एक डाउट की स्थिति बन रही नहीं मेरी, शायद आज कंफर्म तो नहीं है ना, हो सकता है ना, एक संभावना है सर कि एक आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं जहां संदेह की स्थिति होती है वो संदेह बोधक होते हैं। कोई मुश्किल है ये अर्थ के आधार पर समझना सर, बड़ा आसान है, ठीक है, नोट्स वगैरह सब आप अच्छे से लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं, वो तो हम सब आपको प्रोवाइड करा ही देंगे। विधान बोधक, निषेध बोधक कैसे भी आ जाए, अब सर बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ध्यान रखना, एक दो क्वेश्चन अर्थ के आधार पर, एक दो क्वेश्चन रचना के आधार पर जरूर पूछा जाता है, उपवाक्य पदबंध के आधार पर, टॉपिक बहुत अच्छा है इसलिए इसको बहुत ध्यान से कवर करने की जरूरत है।
ऊपर वाले ने चाहा तो 3 से 4 क्वेश्चन इसी वाले टॉपिक से हमें मिलने वाले। एक छोटा और मोटा टॉपिक बातचीत रह जाता है, उसको निपटा देते हैं, बहुत जल्दी निपट जाएगा, बहुत आसान है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने खूब पढ़े होंगे, है ना, आपने खूब पढ़े होंगे, इनको भी खूब पढ़ा है सर, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, खूब आसानी से इनको पढ़ के आए हो। बस यहाँ पे थोड़ा विस्तार रूप में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपका भविष्य लिखेंगी। 21 तारीख को क्या होगा, सिर्फ परीक्षा नहीं होगी, आप अपना भविष्य भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये डिसाइड किया जाएगा कि अब आपको किस तरह की इज्जत मिलनी है समाज में 21 तारीख के बाद। क्लियर हो गई। चलो सर बातचीत को और बता दो क्या होता है ये। वाच को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, है ना। इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस सर और पैसिव वॉइस। इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, जिससे कि आप वहां से उसको कोरिलेट कर पाओ। 3 तरीके से इसको पढ़ा जाता है, कृतवाच्य, कृत वाच्य, और एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। तीसरा होता है भाववाच्य, भाववाच्य। कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी याद आ गया होगा आपको, हाँ सर पढ़े तो हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, या कर्म की प्रधानता व कर्ता की प्रधानता, और यहाँ ना कर्म की प्रधानता ना कर्ता की प्रधानता, सीधे भाव की प्रधानता, ठीक है, मुझसे चला नहीं जाएगा, ये वाले सब किस में आएंगे, भाववाच्य में ही आ जाए। कृतवाच्य क्या होता है सर, कृतवाच्य का मतलब होता है जहाँ कर्ता प्रधान रूप से विद्वान हो, वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है, ठीक है। अब ये जो वाक्य है कृतवाच्य है, कैसा है, कृतवाच्य है, वह पढ़ाई करता, कर्ता क्या करता है, पढ़ाई करता, डायरेक्ट रूप से क्रिया से जुड़ा होता है, विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, ठीक है, बिना विभक्ति चिन्ह के कर्ता क्रिया को प्रभावित जब कर रहा होता है। मैं किताब की परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा हूं, सीधा ये समझो सर, ये कर्ता होता है, कर्ता जिस काम को कर रहा होता है कृतवाच्य होता है, इसी को हम कर्मवाच्य बना लेंगे, पढ़ाई की जाती है उसके द्वारा, ठीक है ना, पढ़ाई की जाती है उसके द्वारा। अच्छा, कर्मवाच्य में आ जाएगा पुस्तकें, पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, क्या होती हैं, पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या देखिए, पुस्तक क्या था यहाँ पे सर, कर्म था, तो कर्म मेन रूप में काम कर रहा है ना, कर्म जो काम कर रहा है कर्ता का काम कर रहा है मुख्यतः, ठीक है। तो जहाँ कर्म कर्ता का काम करने लगता है वैसा वाक्य जो होता है सर वो होता है कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता खुद का काम करता है वो कृतवाच्य हो जाता है, ठीक है। भाववाच्य, ना तो कर्म प्रधान होता है ना कर्ता प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है यहाँ पर, क्या प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, मुझसे चला नहीं जाता भाव, है ना, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ऐसे आ जाए, मुझसे चला नहीं जाता, गाया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, पिया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, ये सब भाववाच्य को इंडिकेट करते हैं, अर्थात इनमें भाववाच्य होता है। क्लियर हो गई बात, बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है ना, आराम से आप समझ गए होंगे कि सर ये होता है कृतवाच्य, ये होता है कर्मवाच्य, और ये होता है भाववाच्य। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो वाक्य भेद वाला टॉपिक पिछले 2 दिन से चल रहा है, आज ये अपने समाप्ति की ओर है। अगला जो टॉपिक हम कवर करेंगे दोस्तों, अव्यय करेंगे, अव्यय, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है अव्यय। थोड़ा सा आप देख लेना अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह आएगी सर अव्यय क्या होते हैं, वरना कल हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर करेंगे, लगभग आधा पौन घंटे की क्लासेस की रहेगी, अव्यय आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अव्यय का मतलब अव्यय कल ही समझेंगे, आज कोई बात नहीं करेंगे इसके बारे में। तो चीज़ें आपको वाक्य भेद से संबंधित सारी समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आप इसके नोट्स बनाइए, नोट्स हम डाल देंगे आपको, वहाँ से देख करके आप अपने नोट्स तैयार करिए, और जो भी क्वेश्चन आएगा फटाक से इसका करिए। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी वीडियो के नीचे लग जाएगा, जो 3 वीडियो पीछे की, 2 वीडियो और 1 वीडियो, ये 3 वीडियो ये हो गई, और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको पढ़ जाएंगे, और नंबर 2 हैंड राइटिंग नोट्स, सिर्फ वाक्य भेद वाले टॉपिक के। आप ये मत समझना कि सर पूरे उसके नोट्स डालो, इस वाले के डालेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले। तो चलो मुलाकात होगी दोस्तों अगले लेक्चर में, अच्छे से तैयारी करते रहिए, समय काफ़ी कम है, मई निकल चुका है मजाक में, ठीक है। जून और जुलाई 60 दिन ये, और सर 20 दिन वो, 80 दिन का समय है, 80 दिन का समय है, ये 80 दिन आपको मौका दे रहे हैं आपको अपनी किस्मत लिखने का। कौन लिख पाता है और कौन नहीं लिख पाता ये डिसाइड हो जाएगा 21 अगस्त को। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले एक लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।